ये जो आप बाग देख रहे हैं ये आम का बाग है और गर्मी का सीजन है और आम आप सबके घरों में पहुंचने वाले हैं। ये चंडीगढ़ का आम का बाग है और मैं हूं राहुल तिवारी और जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो है अर्थ प्रकाश। आप सबका स्वागत करता हूं और इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े आम के बाग में हैं। क्या है इसकी खासियत वो भी आपको बताता हूं, लेकिन एक बार कुछ तस्वीरों के जरिए ये दिखाना चाहूँगा कि कितना बड़ा ये आम का बाग है, यहाँ से कितनी सारी आम आंबियाँ आप जो घरों में बनाते हैं और खासकर वो लोग जो दालों में आंबियाँ डाल के उसको खट्टा करने के बाद उसे खाते हैं या पी भी सकते हैं, तो ये आंबियाँ आपके घरों तक पहुँचती हैं आम के रूप में, आंबियों के रूप में और अचार के रूप में, वो सब यहीं से आती हैं। देख लिया, चलिए अब आपको इस बाग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जिनके पास इसका ठेका है उनके पास लिए चलते हैं। चलिए आइए, ये देखो आम के बाग में बहुत बड़ा ट्रैक्टर भी है, जोतते नहीं है इसको ये लोग, ये सामान वगैरह लाने के लिए यूज किया जाता है। आइए यहाँ जिनके पास ठेका है उनके पास आपको लिए चलते हैं। ये बैठे हैं सर और देखिए कोरोना अभी लमसम खत्म है और उसकी केस भी कम आ रहे हैं, उसके बावजूद ये मास्क लगाए हैं। इनका नाम बता भी देता हूँ, अब इनसे मिला देता हूँ, इनका नाम मुनव्वर खान है, इनसे कुछ बातचीत करेंगे, तब तक बैठते हैं आइए। मुनव्वर खान जी नमस्कार, आपका अर्थ प्रकाश में स्वागत है। आपका ही स्वागत है। ये जानना चाहूंगा कि कब से आपके पास ये बगीचा, कितने वक्त से यहाँ पर? ये मेरे पास 1996 से है जी। 96 से? जी 1996 से। ये कैमरे के पीछे वाले भाई साहब शायद तब जन्म भी नहीं लिया था इन्होंने, ये तब से बगीचा इनके पास है। कहाँ ये आम जो चंडीगढ़ यहाँ से आम मिलते हैं वो कहाँ कहाँ आप लोग सप्लाई करते हैं? ये सब चंडीगढ़ में ही सप्लाई हो जाती है, सब चंडीगढ़ में चला था। जी जी। कितना आम होता होगा यहाँ पे चंडीगढ़ में? हो जाए चंडीगढ़ लोग के लोगों का पूरा हो जाए, चंडीगढ़ के लोग अपना पेट भर लेते हैं। जी, 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 जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लोगों को बताया कि आम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आप बहुत पुराने हैं, तजुर्बेदार हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि लोग कहाँ कहाँ आम का उपयोग करते हैं। वैसे तो खाते हैं, फलों का राजा आम कहलाता है, तो कुछ और अपने तजुर्बे के हिसाब से इसका बीमारियों में या और चीजों में कहाँ उपयोग किया जा सकता है? मैं तो सभी सारे पूरे हिंदुस्तान में इसका उपयोग होता है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा खपत है इसकी, पूरे पंजाब में ज़्यादा खपत है और सब इसका मजा लेते हैं। ये इतना ज़बरदस्त फल है कि इसका मज़ा हर एक व्यक्ति लेता है। हाँ जी। वैसे आप कहाँ से हैं? जी मैं सहारनपुर यूपी से हूँ जी, और 1996 से मैं यहाँ पर लगातार काम कर रहा हूँ। तो यहाँ आप सीजन के टाइम ही आते हैं या परमानेंट ही यहाँ रहते हैं? नहीं परमानेंट नहीं, मैं सीजन के टाइम रहता हूँ, 2-3 महीने का काम होता है यहाँ पर और 2-3 महीने का रहता हूँ। कैसा रहता है काम वगैरह? सर बस ये तो मौसम पे डिपेंड करता है, जैसे खेती बाड़ी है, अगर मौसम ठीक है तो फसल अच्छी लग जाती है, और अगर मौसम सही नहीं है तो नुकसान की फसल बन जाए। कोरोना के बाद से इन 2-4 सालों में क्या फर्क देखने को मिला? ठीक ही था जी, लेकिन इस साल जो है मतलब आपके जो है मौसम ने साथ नहीं दिया बिल्कुल भी, और सिर्फ 20% फसल बची है जी, बाकी सारी जो है खत्म है। अभी कल भी यहाँ बारिश हुई है, भयंकर आंधी थी, भयंकर आंधी। जी, जी, जी। तो क्या कैसा वो था कि कितना आम खराब हुआ और कितना बटोरा गया, कैसे और उसको मैनेज कैसे करते हैं? जो आम गिर जाता है पेड़ों से नीचे तो उसको कैसे देखते हैं? उसको तो वो तो खत्म हो जाए जी बिल्कुल, वो तो फिर चटनी में अचार में इस करके बिक जाए, जो मान लो 50 रुपए किलो की चीज़ है वो 10 रुपए किलो जी बिक जाता है मंडी में, वो भी अगर सही सलामत जो फूट जा टूट जा वो तो फिनिश है, पता नहीं उसको। अगर मेरे जैसे कुछ और लोग हैं चंडीगढ़ के, यहाँ से गुजरते हैं ट्रिब्यून चौक से 28 की लाइटों तक कि पूरे बाग वहाँ तक फैले हैं जी, तो अगर वो लेना चाहें यहाँ से तो क्या आप लोग सिंगल सिंगल एक एक दो दो किलो की सबसे बेचते हैं? हाँ जी हाँ बेचते हैं, हमारे कुछ अड्डे लगा देते हैं यहाँ तो सड़क के ऊपर, तो कुछ लोग जो है यहाँ से भी खरीद के ले जाओ जी।
और उन्हें बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रूट एकदम आप मैंगो मिल जाता है, उन्हें सारे फल मिल जाए उन्हें। ये तो थी चंडीगढ़ से रिलेटेड बातें, थोड़ी सीरियस बातें हो गई थी, अब थोड़ा हंसी मजाक वाली बातें कर ली जाए। ये जानना चाहूँगा कि कितना वक्त हो गया आपको इस प्रोफेशन में? इसमें 28 साल हो गए लगभग। 28 साल से आप इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपकी आने वाली अगली पीढ़ी है जो, वो भी क्या इस प्रोफेशन में है? नहीं जी, अभी साथ है लेकिन नहीं रखूँ उनको, क्योंकि मैंने सारे बच्चों को अपने अच्छी पढ़ाई एजुकेशन दी, सबको अच्छी शिक्षा दी, तो मैं चाहूँगा कि कोई दूसरा काम करें। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार 6 बार आंधी, अभी अंधेरी जो है 6 बार आ चुकी है अभी तक, और बहुत मोटा नुकसान है, नुकसान की शक्ल है, तमाम माल गिरा पड़ा है, सारा पीछे लग रहा है। और फिर दूसरी बात यह है कि लोग भी तंग करें, परेशान करें, जबरदस्ती लोग तोड़ लें, उठा लें रात को, अगर रात को अंदर ही रात को घुस जा लो। उनको कैसे देखते हैं, इतना बड़ा बाग है, इतनी दूर तक, कितने किलोमीटर तक ये फैल गया है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? वो जो चोर असामाजिक तत्व मान लें, हमारे पत्रकारिता भाषा में असामाजिक तत्व कहते हैं उन्हें, तो उनको कैसे करते हैं कि इतनी लेबर लगाई जाए, लगाते हैं, या हर पेड़ को कैसे निगरानी कर लेते हैं बिना सीधे? जी लेबर लगा देते हैं, कुत्ता तो कोई है नहीं, ये है कि फिर भी थोड़ी देखभाल कर ले, अगर कोई मान जाए तो मान जाए, नहीं तो जबरदस्ती भी कर ले लोग। अच्छा, इतना बुरा हाल है चंडीगढ़ के, लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं, वो जबरदस्ती करके गांव वाली हरकतें कर ही लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही ऐसा ही होता है। अब ये जो आम क्रेटों में देख रहे हैं आप लोग, कितना सारा आम पड़ा हुआ है, तो लमसम कितना एक, मतलब कितने सीजन में जो इम्प्लॉई है यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक वक्त में आप रखते होंगे 50, 40 या जो भी एक आंकड़ा है, उसके बाद जब सीजन आता है तो कितनी बढ़ोतरी जो है वो इम्प्लॉयज में हो जाती है? इसमें लगभग 50 आदमी छोड़ने पड़ता है, ये पूरे लेबर जो है 50 आदमी छोड़ने पड़े, रखवाल ज़्यादा, राखी का काम ज़्यादा है और फिर तोड़ का काम भी ज़्यादा है, तो 50 आदमी कम से कम। ये तो 50 आदमी उसके हो गए जब सीजन होता है, सीजन से पहले जब पेड़ों की रखवाली की जाती है, पेड़ों को दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उस टाइम में कितने लोग? उसमें कम से कम 10-15 लोग रहते हैं जो इसका मेंटेनेंस करते हैं, जैसे खुदाई गुड़ाई करनी, खाद डालनी, दवाई डालनी, तो उससे 15-20 आदमी इसमें रखते हैं। तो किसी तरह की प्रशासन की ओर से कोई आपको हेल्प मिलती हो, कोई ऐसा कोई कदम उनकी ओर से उठाया गया कभी? कुछ नहीं मिलता जी उनकी तरफ से, कोई हेल्प नहीं है, कोई हेल्प उनकी तरफ से नहीं है। अच्छा, सारा काम सारा मेंटेनेंस इसका हम खुद ही करते हैं। अभी आपने वो आम लोगों की बात करी थी कि परेशान करते हैं, ये तो हमें समझ में आया कि वो तोड़ ले जाते हैं, ऐसे भी कोई लोग होंगे जो और परेशान करते होंगे या किसी तरह की अलग समस्या जो आप फेस करना चाहते हैं? क्योंकि आम तोड़ना या पेड़ों से कोई डाल तोड़ ले गया, ये चीज़ें तो अमूमन देखी जाती हैं, लेकिन और भी बहुत सी समस्याएं जब आप ऑन फील्ड उतरते हैं या किसी काम में उतरते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो पुलिस महकमे से रिलेटेड हो या प्रशासन से रिलेटेड हो या और सामाजिक जो असामाजिक तत्व होते हैं उनसे, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपके दिमाग में हो? हाँ जी है, मेरे दिमाग में एक दो भाई हैं जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से है, मैं नाम तो उनका मुझे नहीं पता, और उनके साथ हर वक्त 10-15 आदमी रहते हैं, और उनका 15-20 गाड़ी सामान जो है, फूलों का काम है उनका, डेकोरेशन वगैरह जो करते हैं, ये लोहे का उसका, ये लकड़ी का काम है उनका, तो उनसे ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा उनसे दिक्कत ये है हमें कि कम से कम 20-30 पेड़ उनके कब्जे में है, जिसको जो मैंने कई दफ़ा उन्हें मना करना चाह रहे भाई इस काम को यहाँ ना करो ना करो, लेकिन वो नहीं रुकते, और वो कम से कम जो है हर वक्त 4 गाड़ी आ रही 4 जा रही, वो फूलों की दुकान जो है वो यहीं से चलाते हैं बाग से जी, तो सबसे बड़ी दिक्कत उनसे है मुझे।
चंडीगढ़ के अलावा और भी जगह कहीं हो आम के बाग जहाँ पर आपके हैं? हाँ जी, हमारे सहारनपुर में है हमारा बाग। सहारनपुर में जी वहाँ भी करते हैं, वहाँ ये दिक्कतें नहीं है जो यहाँ पर है। जैसे ये लोग तोड़ लेते हैं या सामान जबरदस्ती डाल रखा है, इस तरह का ये कोई काम। और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है पूरे साल में, क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये पूरा का पूरा बाग मैनेज करते हैं वो, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप? हाँ जी, हम तो पूरे साल इस काम में लगे रहते हैं, हमारे साथ 15-20 लेबर आदमी होते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है और महीने दर महीने, जैसे इस टाइम पीक सीजन होता है, फल ले लिया जाता है पेड़ों से, तो उससे पहले की जो पानी लगाना हो गया, खाद, वो कैसे रहता है पूरा? मैंने बताया आपको, अगर मैं हम पूरे साल लगे रहते हैं इसमें, जैसे अभी बाग नहीं उठेगा तो इसका मेंटेनेंस, जैसे गुड़ाई करना, इसकी बुआई करना, और फिर दवाई दुवाई खाद वगैरह डालनी, और फिर जब भूर बार आ जाए तो फिर इस पर सप्रे वगैरह करना। कितने कितने समय अंतराल में ये चीज़ें चलती हैं? ये हर महीने बाद, दो महीने बाद इस पर चलता रहता है। उसके लिए लेबर वगैरह बढ़ाते हैं? हाँ जी हाँ, जितनी लेबर की आवश्यकता होती है उतनी ले आते हैं। ठीक है, एक बार वहाँ चल के बताएंगे ये क्या चल रहा है और कैसे ये आप उसको कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आम एक्चुअल में क्रेट तक कैसे पहुँचता है और क्रेट से होते हुए मार्केट तक कैसे पहुँचता है। ये देखिए, ये सब आम है, बहुत सारा आम है, तो ये सर बताएंगे कि कैसे होता है, बताइए। इसकी पहले ग्रेडिंग हो रही थी, और ग्रेडिंग होने के बाद में इसको फिर उसमें क्रेटों में पैक किया जाएगा अखबार लगा के जी, और फिर इसको पकाया जाएगा, उसके बाद में इसे मंडी भेज दिया जाएगा। यहाँ से अखबार लगा के मंडी चला जाएगा। ये जो टूटा हुआ पीस पड़ा हुआ है, ये तो बेकार होगा जी, ये रात अंधेरी आई थी उसमें गिरा ये सारा। जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो खराब होने वाला मटेरियल, वो यही है खराब होने वाला मटेरियल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आर्थ प्रकाश से आप जुड़े और इतनी डिटेल आपने बताई, चंडीगढ़ के लोगों के लिए जो इतनी इन्फॉर्मेशन थी वो आपने बताई, और हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी जो सूचना है वो अब तक आर्थ प्रकाश के दर्शकों तक हमने जुटाने की कोशिश की। आगे भी खबरों के लिए बने रहिए और अधिक जो डीप डिटेल्स वाली जो खबरें होती हैं उनको जानने के लिए अर्थ प्रकाश को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक खबरों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।